ओके सो यू ऑल नमस्कार, सो मैं नवराज और आप लोग देख रहे हो टेक्निकल सब्जेक्ट्स। गाइस आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं OnePlus 8T 5G की, जिसके अंदर जो है आपको Qualcomm का Snapdragon 865 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वैसे में इसका प्राइस जो है वो है 42,999 रुपीज, और ये जो वेरियंट है वो है 8GB 128GB वाला वेरियंट। आज करेंगे इसको अनबॉक्स, देखेंगे कि हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा, तो मैंने सोचा गाइस सारे दिन का मिक्स करके OnePlus 8T 5G की अनबॉक्सिंग जो है आज हम करने वाले हैं, और देखते हैं कि आखिर हमको ये फोन के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। वैसे में जो भी न्यू है चैनल पे, वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, कि हम ऐसी बड़ी बड़ी अनबॉक्सिंग, छोटी मोटी अनबॉक्सिंग, आपको पसंद आए ऐसी अनबॉक्सिंग और आपको यूजफुल हो ऐसे वीडियोज बनाते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके तो गाइस मैं करता हूँ सील को ब्रेक, और आप जो है वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन ऑल पे सेट है या नहीं वो भी चेक कर लीजिए। वैसे मेरे पास जो ये कलर है वो है लूनार सिल्वर कलर, यही OnePlus 8T 5G स्मार्टफोन का, और इसके अंदर जो है आपको Qualcomm Snapdragon का 865 प्रोसेसर भी जो है देखने को मिल जाता है। वैसे में कुछ इस तरह का बॉक्स जो है वो आपको देखने को मिलता है, ऊपर 8T की ब्रांडिंग की है, मतलब जो फ़ोन का नेम है, और पीछे की तरफ आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो है आप जो है वो पॉज करके भी देख सकते हो। सार वैल्यू भी लिखा हुआ है 1.07 हेड पे और 0.85 बॉडी पे, ऐसा कुछ सार वैल्यू है जो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। मैं जो है बॉक्स को खोलता हूँ और देखते हैं कि हमको बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ऊपर की तरफ गाइस पहले फ़ोन रखा हुआ है, साइड पे जो है 8T की फिर से ब्रांडिंग है। अभी मैंने इसको एक बार ही यूज़ कर लिया था चेक करने के लिए कि फ़ोन वर्किंग है या नहीं, इसलिए ऊपर की जो सील है वो मैं हटा दिए, और हमको मिल जाता है अंदर OnePlus की तरफ से एक इनविटेशन लेटर, जो आपको OnePlus के सारे डिवाइसेस में देखने को मिलता है। वही वाला इनविटेशन लेटर जो है कुछ इस तरह का है, जो आप अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी बहुत सारी ज्ञान की बातें, मतलब यूज़र गाइड जो है फ़ोन के साथ में देखने को मिलती है, और कुछ OnePlus के स्टिकर्स जो आप जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। वैसे में Type-C to Type-C केबल देखने को मिल जाती है रेड कलर की, उसकी फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया है। वैसे में हमको जो है बॉक्स के अंदर 65 वॉट का वॉप चार्ज मिल जाता है, जिसको जो है आप जो है यूज़ कर सकते हो आपके टैबलेट्स, मोबाइल्स, जो भी आपका लैपटॉप्स है, या फिर कुछ और जो इसके साथ 65 वॉट आउटपुट चार्जिंग सपोर्ट करता है, उसको जो है आप बहुत ही फास्टली और आराम से चार्ज कर सकते हो। फिर जो है हमको एक अंदर की तरफ मिल जाता है रेड केबल क्लब का कार्ड, और कुछ इस तरह के कार्ड है वो आप देख सकते हो। बाकी हमको फ़ोन के साथ केस भी मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी खैर डिसेंट ही है, पर फिर भी थोड़ी देर तो काम चला ही सकते हो आप इसको, और बूट करते हैं तब तक इसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात कर ले। तो आपको जो है पीछे की तरफ जो लूनार सिल्वर कलर है वो बहुत ही शाइनी और अच्छा ही दिख रहा है वैसे में, और अगर इसके पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो है सोनी IMX586 सेंसर के साथ में और OIS के साथ में। नीचे की तरफ जो है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और उसके नीचे जो है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट के लिए कैमरा, और उसके बाजू में 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा। उसके ऊपर जो है आपको देखने को मिल जाता है फ्लैश लाइट, और उसके ऊपर जो है आपको मिल जाता है फ्लिकर सेंसर। और अगर हम फ़ोन के ओवरव्यू की बात करें तो गाइस मेरे को जो है इसका लूनार सिल्वर कलर बहुत पसंद आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है मेरे को कुछ ज़रूर से बताना। ऊपर की तरफ जो राइट हैंड साइड पे हमको देखने को मिल जाता है OnePlus का सिग्नेचर अलर्ट स्लाइडर, उसके नीचे ठीक नीचे आपको देखने को मिल जाता है पावर बटन, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमको जो मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन। नीचे की तरफ हमको मिल जाता है टाइप सी पोर्ट, स्टीरियो स्पीकर एंड ड्यूअल सिम ट्रे पिन। और अगर हम फ़ोन के ओवरव्यू की बात करें तो गाइस हमने जो है कवर लगा लिया है, क्योंकि गाइस थोड़ा महंगा फ़ोन है। ऊपर की तरफ से मैं प्रोटेक्शन हटाने वाला था, थोड़ा हटाने का भी ट्राई किया मैंने, पर मैंने नहीं हटाया, भैया छोड़ो भैया थोड़ा महंगा फ़ोन है, अभी हम लगाने वाले है तो नहीं, अभी तुरंत जाके मैंने सोचा भैया बाद में लगा लेंगे। बाकी अगर हम कैमरा की बात करें तो यार हम फोटो सैंपल्स की बात करें तो गाइस बहुत सारे फोटो सैंपल्स जो है मैंने खींचे हुए हैं नाइट मोड में, डे मोड में, आपको कैसा लगा इसका कैमरा वो भी मेरे को ज़रूर से बताना। और बहुत सारे फोटोज़ मैंने खींचे हैं पर वो सब तो दिखा नहीं सकते, एक्चुअली मैं थोड़े थोड़े मैंने ये सिलेक्ट किए, आपको कैसे लगे वो भी बताना। और कैमरा भाई बहुत ही बढ़िया है, जिस प्राइस पॉइंट पर हमको
फ़ोन देखने को मिलता है। वैसे में फ़ोन का प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बट कैमरा जो है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है। और आपको कैसा लग रहा है वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी और अगर हम बात करें डिटेल्स में, तो हमको जो है फ़ोन के साथ में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन जो है देखने को मिल जाता है, जो जिसमें आप आराम से गेमिंग कर सकते हो। वैसे में इसका इंटरनल स्टोरेज है 8GB 128GB, और एंड्रॉयड वर्जन 11 है, और ऑक्सीजन OS 11 पे ये जो है फ़िलहाल रन कर रहा है। आप देख सकते हो एंड्रॉयड 11 जो है आपको जो है गाइस पुराने वन प्लस पे भी एंड्रॉयड 11 का जो है अपडेट जो है जल्दी देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑक्सीजन OS का सर्टिफिकेशन जो है वो भी आप देख सकते हो। ऐसे में अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो गाइस हमको जो है 4K वीडियोज़ अगर आप ये फ़ोन में देखोगे गाइस अलग ही एक्सपीरियंस आने वाला है भाई। मेरे को तो बहुत ही बढ़िया इसका डिस्प्ले लगा। वैसे में आप जो खुद एक्सप्लेन देख सकते हो, मतलब देखो अगर आप इसको कम जो मेरा खुद का वीडियो अगर आप कम क्वालिटी पे देख रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा, बट अगर आप 1080p या 720p पे देख रहे हो तो आपको जो है 1+80 का जो स्क्रीन है वो कैसा है वो भी आपको पता चल जाएगा। वैसे में अगर हम इसके स्पीकर्स की बात करें तो आप जो है इसका स्पीकर भी सुन ही लो। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकन होगा वो भी देख लीजिए कि ऑल पे सेट है या नहीं, क्योंकि बेल आइकन का जो है ग्लिच हो जाता है, मतलब जो नोटिफिकेशंस है वो सबको पहुंचती नहीं है कभी कभी। और ये जो है यूट्यूब का ग्लिच है तो इसका हम कोई सॉल्यूशन भी नहीं दे सकते। मेरे को बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई हमको नोटिफिकेशन ही नहीं आती आपकी वीडियो की, तो प्लीज चेक कर लीजिए बेल आइकन ऑन है या ऑफ। और मेरे बहुत सारे आप लोग जो वीडियो पूरा देखते हो और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये चीज गलत है। तो गाइस प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को बताना कि आपको 1+85G कैसा लगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और ये वाला वीडियो कोई भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं था, तो बस ये वाला वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।